मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में बस द्वारा 78 लाभुकों को हरी झंडी दिखाकर अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने रवाना किया। ढालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने बताया कि ये दल यहां से हटिया पहुंचेगा, जहां से विशेष ट्रेन द्वारा इन्हें सोमनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। 27 तारीख को ये सभी तीर्थयात्री दर्शन करके लौटेंगे। इस दल में पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड के लाभुकों को शामिल किया गया है। वहीं साथ जाने वाले पदाधिकारी अनिमेश त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले मुस्लिम धर्मावलंबियों को अजमेर शरीफ और आगरा की यात्रा कराई गई थी। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जमशेदपुर से 78 लाभुक सोमनाथ और द्वारिका का दर्शन करेंगे। यहां से सभी लोग हटिया जाएंगे, रास्ते में नाश्ते का प्रबंध रहेगा, उसके बाद वहां से इनके खाने पीने सभी चीज़ का प्रबंध ट्रेन में होगा। यहां पर अन्य ज़िलों से भी लोग विशेष ट्रेन में सवार होंगे। झारखंड टाइम से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले से 78 लाभुक आज सोमनाथ तीर्थ वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ से लोग हटिया जाएंगे और उसके बाद वहाँ से बाई ट्रेन वहाँ जाएंगे सोमनाथ। कितने दिन की सफर है? सारे प्रखंड से लोग आए हुए हैं, 27 को वापस आएंगे और इसमें इनका जो भी कंप्लीट खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी और हमें आशा है कि ये लोग बहुत अच्छे से पूरा अपना तीर्थ दर्शन करते हैं। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है जिसमें इसके पूर्व मुस्लिम धर्मवालियों को अजमेर शरीफ और आगरा भेजा गया था और ये हिंदू धर्मवालियों को 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक और द्वारिका और सोमनाथ भेजा जा रहा है गुजरात में और इनकी यात्रा 20 से शुरू होगी और आज से शुरू हो रही है। ये अभी जाएंगे हटिया रेलवे स्टेशन, वहाँ से स्पेशल ट्रेन से पूरे राज्य से सारे लाभुक जा रहे हैं ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत और ये वापस आएंगे आपको 20 से। इस जिले से कितने लोग जा रहे हैं? इस जिले से 78 जा रहे हैं और इनका सारा रहना खाना और सब कुछ बुकिंग किया गया और यहाँ हमारे द्वारा जिला प्रशासन द्वारा इनका बस अरेंजमेंट और नाश्ता और सारी चीज़ों का अरेंज किया जब तक ये हटिया रेलवे स्टेशन पहुँचे। सर गुड मॉर्निंग सर, अरमेश कुमार त्रिपाठी जिला कंट्रोल। आ रहे हैं हम लोग वहाँ से, फिर हम लोग ट्रेन पकड़ के द्वारिकाधीश के लिए जा रहे हैं। ये व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री किए हैं, इसमें हम लोग का सब कुछ है, सब सभी चीज़ का व्यवस्था किया गया है, खाना पीना सब कुछ। कितने लोग हैं आप लोग? 72 आदमी के लिए इसे काफ़ी आदमी हो गए जाने के लिए, लेकिन सरकार सभी को ले जाने की व्यवस्था कर चुके हैं। कहाँ जा रही हैं आप लोग? हम लोग द्वारका के लिए, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग अटेंडर बन के जा रहे हैं अपने माता पिता के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं, किसी के बाल बच्चे नहीं ले जाते हैं माँ बाप को खर्च के, वरना उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। और हम मुख्यमंत्री के लिए बोलते हैं कि धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत खुशी हुआ। कितने दिन का सफर है? एक सप्ताह का सफर है। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।